दक्षिण अफ्रीका की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने हराकर सेमीफाइनल मुकाबले को जीत लिया और फाइनल मुकाबले में अपनी जगह पक्की कर ली। दक्षिण अफ्रीका के साथ खेला गया मुकाबला तो काफी ज्यादा रोमांचक रहा था, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की टीम का मुकाबला अब फाइनल में भारत के साथ होने वाला है। इस माह मुकाबले को लेकर काफी ज्यादा घमासान से मचा हुआ है, लेकिन सानिया मिर्जा ने जीत की भविष्यवाणी कर दी है कि फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी। तो वही अनुष्का शर्मा ने भी इस बीच अपना बयान जारी किया। तो चलिए बताते हैं आपको क्या है पूरी खबर। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सफर अब तक बेहद शानदार रहा है। कोई भी टीम अभी तक ऐसी सामने नहीं आई जिसने भारत को हराया हो, जबकि भारतीय टीम का रिकॉर्ड ऐसा है कि 10 टीमों को लगातार धूल चटा दी है हमारे खिलाड़ियों ने। लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी शानदार वापसी करी है 2 लगातार मुकाबले में हार के बाद। लेकिन आपको बता दें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को दो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस महा मुकाबला से पहले सानिया मिर्जा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप काफी ज्यादा रोमांचक मोड पर आ चुका है, भारतीय टीम ने खतरनाक क्रिकेट के लिए इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसी टीम रही है वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में जिसके आगे भारतीय टीम भी लड़खड़ाई थी। लीग स्टेज मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत के तलक में जान अटका दी थी क्योंकि यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हुआ था। हालांकि भारत ने अंत में बाजी मारी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार भारत ही बाजी मारेगी। इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम मुझे उम्मीद है कि खतरनाक वापसी करेगी और भारत से बदला भी लगी। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा पारी खेलने की शौकीन है, लेकिन जिस तरह की गेंदबाजी अफ्रीका के खिलाफ स्टार्क और हेजलवुड की रही है, मुझे लगता है भारतीय टीम घुटने टेकने वाली है फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के सामने। वही आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा ने भी इस बीच मुंहतोड़ जवाब दिया सानिया मिर्जा को। उन्होंने कहा, सानिया मिर्जा हमेशा से ही जहर हो, गलती है शायद वह यह बात भूल गई कि हमेशा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पलटवार करने के इरादे से मैदान पर उतरती है। शुरुआती 10 मुकाबला जीतना कोई आम बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया क्या हर टीम को हमारे खिलाड़ियों ने घुटनों के बल बिठाया है? किसी भी टीम की इतनी मजाल नहीं है कि वह भारत का सामना कर सके। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, विराट कोहली के अलावा सभी खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है और गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने अकेले ही जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया हुआ है। पाकिस्तान की टीम तो पहले ही बाहर हो गई, इसीलिए सानिया भारत पर जहर उगल रही है, लेकिन भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा इस फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद। और यह सानिया भी देखेंगे इस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया अनुष्का शर्मा ने। वैसा आप सभी को क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, फाइनल कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आखिरकार हर बार की तरह दक्षिण अफ्रीका का सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद सफर खत्म हो गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने शुरुआत में अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के आगे अपने घुटने टेक दिए। टीम की हार के बाद दिग्गज खिलाड़ी अब डी विलियर्स काफी ज्यादा भावुक हो गए और उन्होंने भारत को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। कप्तान बवोमा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। उसके बाद डिकॉक 3 रन बनाकर आउट हो गए। दबाव इतना ज्यादा था कि 24 रन की स्कोर पर 4 विकेट अफ्रीका ने खो दिए थे। क्लासे और मिलर ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने 100 के पार टीम का स्कोर पहुंचा, लेकिन क्लासे 48 रन बनाकर आउट गोर। लगभग अंत तक मिलर ने बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया, 101 रन की परी उन्होंने खली, जिसकी बदौलत अफ्रीका की टीम 212 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी खतरनाक रही है और में 60 रन बोर्ड पर लगा चुके थे। उसके बाद डेविड वार्नर और मार्श आउट हो गए। 2 विकेट 61 रन के स्कोर पर हो गए थे, लेकिन उसके बाद हेड ने 62 रन की पारी खेली और 100 के पार स्कोर पहुंचा दिया था। लेकिन हेड के आउट होने के बाद भी स्टीव स्मिथ और लबुशेन नेपाली को संभाला और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस मुकाबले में जीत कर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर दी। टीम की हार के बाद काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए टीम के स्टार पूर्व कप्तान एबी डी विलियर्स। उन्होंने
कहा कि वाकई में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने यह साबित कर दिया कि उन्हें क्यों जोकर्स कहा जाता है। पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेल दिखाने के बावजूद भी सेमीफाइनल में इस तरह के घटिया खेल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। शुरुआत से ही जवाब को लेकर खेल भारत से इन्हें कुछ सीखना चाहिए था कि सेमीफाइनल मुकाबले में किस तरह से अटैक करके खेलने होता है। भारत ने न्यूजीलैंड के ऊपर शुरुआत में ही दबाव बना लिया था, शायद यही कारण तक की एक बड़ा स्कोर उन्होंने खड़ा किया, लेकिन हमारी बल्लेबाजी घटिया रही। मुझे लगता है आप दक्षिण अफ्रीका की टीम को जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हराया है, भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हरा दे, वह हमारा बदला ले, और हम भी यही चाहते हैं कि आप भारतीय टीम ही वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि भारत के साथ हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। भारत अगर वर्ल्ड कप जीतेगा तो हमें भी खुशी होगी। इस तरह से एबी डी विलियर्स ने भारत से दरकार लगाई है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी फाइनल, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, कमेंट सेक्शन में बताएं। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबले काफी ज्यादा रोमांचक रहा। मुकाबला ने कई बार रुख पलटा, कभी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में गया तो कभी अफ्रीका के, लेकिन अंत में बाजी मारी कंगारू ने। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीतकर फाइनल मुकाबले में जगह बना ली है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत को लेकर होश उड़ा देने वाला बयान दिया है। तो चलिए बताते हैं क्या बोले जीत के बाद पोंटिंग। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम फाइनल मुकाबले में जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। कप्तान बवोमा इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। उसके बाद डिकॉक 3 रन बनाकर आउट हो गए। दबाव इतना ज्यादा था कि 24 रन की स्कोर पर 4 विकेट अफ्रीका ने खो दिए थे। क्लासे और मिलर ने पारी को संभाल ने की कोशिश की। दोनों ने 100 के पार टीम का स्कोर पहुंचा, लेकिन क्लासेन 48 रन बनाकर आउट। गोर लगभग अंत तक मिलर ने बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया, 101 रन की परी उन्होंने खली, जिसकी बदौलत अफ्रीका की टीम 212 पर ऑल आउट हो गई। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत काफी खतरनाक रही है, और में 60 रन बोर्ड पर लगा चुके थे। उसके बाद डेविड वार्नर और मार्श आउट हो गए, 2 विकेट 61 रन के स्कोर पर हो गए थे, लेकिन उसके बाद हेड ने 62 रन की पारी खेली और 100 के पार स्कोर पहुंचा दिया था। लेकिन हेड के आउट होने के बाद भी स्टीव स्मिथ और लबुशेन नेपाली को संभाला, लेकिन मुकाबला ने रुख पलट लिया। पहले लबुशेन आउट हुए और उसके बाद मैक्सवेल को शमसी ने बोल्ड मार दिया, 137 रन की स्कोर पर 5 विकेट हो गए थे, लेकिन चट्टान की तरह क्रीज पर जम गए स्टीव स्मिथ और जोश इंग्लिस, दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हुई। हालांकि खतरनाक बल्लेबाजी स्टीव स्मिथ ने करी और धीमी चाल से करते हुए अपनी टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा, और आखिरकार अंत में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार मुकाबले में जीत हासिल कर ली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग काफी ज्यादा खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही क्रिकेट की किंग कहलाती हुई आई है, क्रिकेट के ऊपर ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा है, शायद यही कारण है कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के ही नाम है। शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद जिस तरह से टीम ने कमबैक किया वह काबिले तारीफ है। आज दक्षिण अफ्रीका को हराकर 4 चांद लगा दिए हैं। टीम ने जीत कर और फाइनल मुकाबले भारत के साथ होना है, जो कि काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। वैसे तो भारतीय टीम भी काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन हमारे पास अच्छा मौका है भारत से अपना हिसाब किताब चुकता करने का। लीग स्टेज के पहले ही मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, लेकिन अब भारतीय टीम को हारने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है और भारत के घमंड को तोड़ना हमें बेहतर तरीके से आता है। रोहित शर्मा कैसे अब तेज गति से बल्लेबाजी करता है, हमारी गेंदबाजी के सामने पता चल जाएगा। स्टार्क और हजलवुड के सामने पहले भी घुटने टेक थे, अब भी घुटने टकेंगे। इस तरह से पेंटिंग ने भारत को फाइनल मुकाबले में हारने की धमकी दी है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम जीतेगी फाइनल, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।